इंडिया के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आइए अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। वाराणसी में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चौका घाट स्थित वासुदेव हनुमान मंदिर गंगा नदी के किनारे क्रीडा भारती द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नारायण सिंह राणा ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान योग का प्रदर्शन करती बच्ची। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते नारायण सिंह राणा जी, पूरे देश में हमने करीबन 500 जिलों में इसका गठन कर लिया है और मेन फोकस हमारा यह है कि हम देश को स्वस्थ नागरिक दें, चरित्रवान नागरिक दें और उसके माध्यम से ओलंपिक खिलाड़ियों को भी हम आइडेंटिफाई करें और देश के लिए हम नाम ऊंचा करें। साथ साथ इसके हमारे 5-6 हमारे कार्यक्रम हैं जो आज आप देख रहे हैं। हनुमान जयंती के हमारा स्थापना दिवस भी है, इसको पूरे देश में क्रीड़ा भारती स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। जगह जगह हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हम जीजा माता पुरस्कार देते हैं खिलाड़ियों को, जब मेडल्स मिलते हैं तो उनके पिताजी। वाराणसी में ईवे बिल व जीएसटी में आई कमियों के विरोध में लवरावीर स्थित आजाद पार्क में वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बताया गया कि जीएसटी के विसंगतियों, ईवे बिल के विरोध में मंडी शुल्क तथा बैंकिंग दुर्व्यवस्था व बैंकों द्वारा रिचकारी न लेने के कारण व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हमारी सरकार से मांग है ईवे बिल खत्म किया जाए, मंडी शुल्क तत्काल हटाया जाए और जीएसटी की कमियां दूर की जाए और बैंकों से योजनाओं का लाभ व्यापारियों को मिले और छोटे नोट और रोजगारी बैंक काउंटर लगा के ले। काशी वासियों को डिजिटल सौगात देने हेतु काशी ऑन वेब संस्था द्वारा 80 घाट पर काशी ऑन वेब का उद्घाटन के संबंध में मैदानगंज स्थित पर्डाकर भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें काशी और वेब के प्रमोटर सचिन मिश्रा ने टीम को अच्छे आइडियाज एवं स्मार्ट वर्क को देखते हुए हर संभव सहायता देने में कटिबद्धता जाहिर की। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते काशी और वेब के प्रमुख ऋषि उपाध्याय, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में चूंकि लॉन्च कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी ही रखा है, लेकिन अब इसमें आप जो ब्लॉग हमारे हैं उसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। वेबसाइट आपको पूरी पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च करेंगे। दिखेगी लॉन्च कौन करेगा? 2 अप्रैल को लॉन्च करने के लिए मैं पूरे बनारस को आमंत्रित किया हुआ हूँ। इसमें हमारे जो प्रमोटर्स हैं वही हमारे लिए गेस्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे आएंगे, जिसमें हमारे साथ आर्चीज गैलरी के सचिव खेमका जी हैं जो कि हम लोगों को बहुत काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके उन्होंने बनारस बड़े अच्छे अच्छे इवेंट किए हैं, उन इवेंट्स के माध्यम से बड़ी जानकारियाँ उन्होंने इकट्ठी की हैं। वो है हमारे साथ सचिन मिश्र जी हैं जो भारत बनारस में अच्छे अच्छे क्लबों से जुड़े हुए हैं। जब से मैं इनके संपर्क में आया हूँ मेरे अंदर एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। औरंगाबाद जिला देव प्रखंड के ग्राम बिशनपुर में चैत्र पूर्णिमा को लेकर 24 घंटे का अखंड कीर्तन आयोजित किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्य रंजन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन माँ भगवती के प्रांगण में किया है। इस कीर्तन भजन में अशोक सिंह, सीता साव, भारत सिंह, सुदर्शन सिंह, सरपंच सदस्य रामजन पासवान, सरजू यादव एवं समस्त ग्रामीण जनता मौजूद रही। अखंड कीर्तन में हम सभी ग्रामवासी 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किए हैं, इसमें घूम घूम कर हम हरे राम हरे कृष्ण का आयोजन करेंगे। औरंगाबाद जिला कुटुम्बा प्रखंड के अंबा में आरक्षण हटाने को लेकर SC ST के लोगों ने अजय राम के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला। बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC ST को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। लोग पूरा अंबा बाजार होते हुए अंबा चौराहे पर पहुंचे और आह्वान किए कि हम लोग कल अंबा चौराहे पर एकत्रित होकर चक्का जाम करेंगे, नहीं तो हमारी मांग पूरी हो। जौनपुर के हिमताज महाविद्यालय नेवड़िया में परीक्षा केंद्रों पर पहुंची निरीक्षण बैच, प्रधानाचार्य द्वारा सभी छात्राओं का शांतिपूर्वक पेपर दिलाया गया। नाका दल का जो कमेंट है और उदारका दल का कमेंट, आज का जिन्होंने औचक निरीक्षण किया उसका पूरा डिटेल यहाँ पे है और इसका फोटो भी आप चाहे तो ले सकते हैं। अब यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। शिक्षा हो बच्चों का आधार, तभी विकसित होंगे नौनिहाल। जी हाँ, ऐसी ही शिक्षा पाने के लिए आइए आदर्श पब्लिक स्कूल में, जहाँ है खेल कूद एवं योग शिक्षा, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क, गरीब छात्र छात्राओं के लिए विशेष छूट, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था।
एवं कला की विशेष सुविधाएं, ऑडियो वीडियो एवं खिलौना से बच्चों की शिक्षा, प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, प्रत्येक वर्ष जवाहर नवोदय व सीएचएस की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन भी। तो भूलिए मत भटपुरवा खुर्द पलही पट्टी वाराणसी में आदर्श पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जौनपुर प्राथमिक विद्यालय नेवड़िया के ग्राम प्रधान विजय मोदनवाल के अच्छे काम के लिए गांव ने प्रजापति एकता सम्मेलन मनाया। सम्मेलन में महेश प्रजापति, अरुण प्रजापति, अजय, विनोद, दीपक प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। देवरिया जिले के पथरेवा विधानसभा में प्राथमिक विद्यालय कोयरी टोला सिमरी में निकाला गया स्कूल चलो अभियान। बच्चों ने पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उत्तम देश बनाएंगे का नारा लगाया। मीडिया ने वहां के प्रधानाचार्य से भी की बात। सर्व शिक्षा अभियान का यह योजना है कि सभी बच्चे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, अभिभावकों को जागरूक कर उनको विद्यालय से जोड़ा जाए, इसके लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है जो 2 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक सघन अभियान चलेगा। इसके बाद पूरा पखवाड़ा है, नामांकन का अभियान चलेगा और बच्चों को स्कूल से जोड़ने का पूरा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और ताकि बच्चे जो है निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर देश के लिए अच्छे नागरिक बन सके। देवरिया थाना तरकुलवा कंचनपुर चौराहा पर बहुत ही भयंकर तूफान आया। जोगी चौराहा के इर्द गिर्द कोई भी दुकान नहीं दिखाई दे रहा था, केवल धूल ही धूल दिखाई दे रहा था। उसके बाद ओला के साथ छिटपुट बारिश भी हुआ और इस तूफान से काफी लोगों का छप्पर उड़ गया। देवरिया थाना तरकुलवा कस्बा पड़री रामपुर के बगीचे में गुप्त सूचना मिलने पर मालूम चला कि कुछ लोग बैठकर गांजा पी रहे थे। गांजा पीते ही उसमें से चिंगारी निकला और आग लग गया। वे लोग काफी प्रयास किए मगर आग पूरा विराट रूप धारण कर लिया। काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 101 नंबर पर फोन करने पर किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर डीएम की सहायता लेनी पड़ी। उसके बावजूद भी तकरीबन 2 घंटे तक कोई व्यवस्था नहीं मिली। लोगों ने तिनका तिनका खोज कर आग को बुझाया। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव निशान रस्तोगी, निखिल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर शिक्षा मित्र एवं एसएससी के चेयरमैन का पुतला फूंका। साथ ही विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए निशांत रस्तोगी ने कहा कि अगर छात्रों पर हुई लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई और घायल छात्रों को तुरंत सरकारी मेडिकल सेवा नहीं मुहैया कराई गई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। तरह से कल छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई और पुलिस और सरकार ने अपनी नाकामी को जताया हुआ है, तो हमने सरकार और पुलिस को ये चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से छात्रों के ऊपर उत्पीड़न किया गया तो छात्र सड़कों पर उतरेंगे और छात्र भी छात्रों को वो मजबूर न करे कि जिस तरह से वो पुलिस की अपना रवैया अपना रही है, छात्रों को भी मजबूर होना पड़े सड़कों पर उतरने के लिए। निशांत रस्तोगी, NSUI प्रदेश। आगरा सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले, SC ST के विरोध में हाथों में लाठी डंडे लेकर उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने खेरिया मोड़ बिजली घर बाजार को जबरन कराया बंद। टेढ़ी बगिया पर प्रदर्शनकारियों के चलते 3 घंटे से हाईवे पर जाम। पुलिस बूथ पर भी आक्रोशित लोगों ने किया कब्जा। दुकानों में भी कई जगह की गई तोड़फोड़ व पेट्रोल पंपों को भी कराया बंद। प्रदर्शनकारियों ने घरों में फेंके पत्थर, पथराव से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पुलिस फोर्स की कमी के चलते शहरवासियों को हो रही भारी परेशानी। योगी राजनीति करते हाथ उठाई नहीं, ये बताइए मोदी योगी राम के नाम पे राजनीति वो बदलाव नहीं लाएगा नहीं। जो राम अपनी पत्नी को नहीं रख पाया अपने साथ में, जो अपने बच्चों को नहीं पाल पाया, और ये लड़ुआ चुनुआ सरकार 729 is calling. और जब तक योगी हमारा कुछ बच्चों का समाधान नहीं करेगा, हम जब तक अपनी जान नहीं देंगे। आज खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन आगे खबरों के लिए जरूर देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।